हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधन किरण गुप्ता ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जितने भी अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा किए थे। आज के वीडियो में ब्लाइंडनेस वाले के लिए ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से B2 और C1 वाले के लिए कौन सा पोस्ट मिलेगा, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट डिजिनेशन, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिपार्टमेंट जो होगा DRM ऑफिस में मिलेगा। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है डिपार्टमेंट मैकेनिकल में डिजिनेशन और असिस्टेंट वर्कशॉप मिलेगा। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में जो है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप मिलेगा। डिपार्टमेंट स्टोर में जो है असिस्टेंट स्टोर मिलेगा। डिपार्टमेंट मेडिकल में जो है असिस्टेंट हॉस्पिटल मिलेगा। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में असिस्टेंट वर्क्स मिलेगा। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप मिलेगा। ये सारा मेडिकल C1 के लिए है, जितने भी पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, इन सभी बातों से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बहुत सारा पोस्ट है। इसलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों का अभी PET स्टार्ट होने वाला है, वो अपना PET पर ध्यान दे और उसमें अपना जी जान लगा के तैयारी करें, ताकि PET क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए अब तैयार रहे। जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2, B1 होगा। धन्यवाद।